आर्य में बताया कि उन्होंने किस तरह से इस बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर का अगेंस्ट स्ट्रगल किया, एंजाइटी और डिप्रेशन भी उस हवाले से हो जाते थे, एंड हाउ कांस्टेंट हेल्प और सपोर्ट उनको मिली, यानी कंटिन्यूस एक हेल्प और सपोर्ट उनको अपनी फैमिली और फ्रेंड से मिली थ्रू आउट उनके टफ टाइम्स थे। तो एक ये शामिल है उसमें बिली इलिश हैं जो कि अमेरिकन सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं। बिली इलिश ने अपने इस बॉडी डिसमॉर्फिया के बारे में कुछ यूं कहा कि आई हैव नेवर फेल्ट कंफर्टेबल इन रियली टाइनी क्लोथ, और आगे एड ऑन किया कि आई वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट माई अपियरेंस। अच्छा, इसके अलावा हमारे जबकि कन्फर्म नहीं कहा जाए, डायग्नोज नहीं किया गया उन्हें, मगर कहा जाता है कि माइकल जैक्सन, अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, डांसर, उन्होंने भी इस बीडीडी को फेस किया। और आप इनकी पिक्चर्स देख के अंदाजे लगा सकते हैं कि जो उन्होंने अपने आप को अपियरेंस को चेंज किया, ऑब्वियसली ही मस्ट बी हैविंग सम इलनेस, वो कहते हैं बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। मैरिलिन मोनरो, कौन नहीं जानता, अमेरिकन एक्ट्रेस, मॉडल, सिंगर, वो भी इस डिसीज से सफर कर चुकी हैं। उन्होंने तकरीबन 30 प्लास्टिक सर्जरीज कराई और उनके फेस को अपना शेप अप करने के लिए, अपनी बॉडी को शेप अप करने के लिए, स्पेशली फेस। फिर अमांडला स्टेनबर्ग जो कि अमेरिकन एक्ट्रेस और सिंगर भी हैं, उन्होंने भी इसका बड़ा प्रेशर लिया इस डिजीज का, एंड शी सेज लूज वेट, आई लूज वेट बिकॉज इट डज नॉट लुक गुड। अपने वो वेट से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, और अमांडला हैज़ अ सुपर स्वीट वे ऑफ कम्बैटिंग अ बॉडी इमेज एंजाइटी। मतलब उन्होंने बड़ा प्यारे तरीके से, बड़े प्यारे अंदाज से इसको ओवरकम किया। उन्होंने क्या किया कि मोटिवेशनली वो क्या करती थी मोटिवेट करने के लिए, शी हैज अ टैप टॉक्स इन द मिरर, यानी मिरर के सामने खड़े होकर बातचीत करना, जैसे एंड नॉट जस्ट व्हेन इट कम्स टू माय बॉडी बट इट कम्स टू एनीथिंग, शी क्लेरिफाइड, इफ आई हैव एंजाइटी अबाउट समथिंग एंड आई कांट सोर्स वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, आई विल गेट इन द मिरर एंड बी लाइक ओके गर्ल वी टू फिगर दिस आउट व्हाट्स गोइंग ऑन एंड वी टॉक थ्रू इट मी एंड माई रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप से खुद बातें करके मिरर में अपने आप को उस एंजाइटी से, उस प्रॉब्लम से अपने आप को निकालने की पूरी कोशिश की। आपको इसके इस पीडीडी में इंडिविजुअल को ये फील होता है कि या तो उसका कोई बॉडी पार्ट जो है डिफेक्टिव है, और वो अपने अपेयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि नेगेटिव थाट्स इतनी ज़्यादा उनमें आ जाता है, यहाँ के इवन दो कि उनका हो सकता है कि वो डिफेक्ट इतना मायने हो और अगले को फील भी ना हो रहा है, मगर वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इतना ज़्यादा ये बढ़ सकता है कि खुदा ना खास्ता वो अपने आप को हर्ट भी कर सकते हैं। और तो इस वजह से ये काफ़ी सीवियर डिजीज कहलाती है, सीवियर डिस्ट्रेस कहलाता है। ईटिंग डिसऑर्डर और बीडीडी में सिमिलरिटी दोनों में जो इंडिविजुअल कंसर्न बॉडी से है, इसमें जो अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ईटिंग डिसऑर्डर में इंडिविजुअल का कंसर्न इंटायर बॉडी शेप से होता है, वो हर वक्त इस बारे में परेशान होता है मैं मोटा हो गया हूँ या मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं हो गया। और जो बीडीडी है वो किसी खास बॉडी पार्ट के हवाले से वो फील करता है कि ये मेरा इसमें डिफेक्ट है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एन्जाइटी होती है, और वो एन्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए रिपीटेडली कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करता रहता है कि मेरी जो है मेरे अंदर ये कमी ये किस तरह से ये ख़त्म हो जाए। और इतनी ज़्यादा स्ट्रेसिंग थॉट्स आती हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अपने आप को हर्ट भी कर सकता है, भी फिजिकल टॉर्चर दे सकता है, और डिप्रेशन एन्जाइटी में जा सकता है। बीडीडी के सिम्टम्स की बात करें तो उसमें जो है अपने जैसे मैंने बताया अपीयरेंस को देख कर बहुत ज़्यादा फील होता है कि लोग मेरे वो उनको ये फील होगा लोग मेरे बारे में बात करें, दो के लोग बात ना भी कर रहे हो मगर वो फील करता है लोग मेरे फलाम डिफेक्ट जो है इसके बारे में बात कर रहे होंगे। बार बार आप देखेंगे वो अपने आप को मिरर में, जैसे मैंने बताया पहले भी, अपने आप को मिरर में देखेंगे एंगल से, डिफरेंट एंगल से, मगर फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं इनको मिलती। ये परसीव थॉट्स को जो है ना
बच्चे छुपाने के लिए कोई ना कोई ऐसी फजूल की हरकतें करते जाएंगे। इनको अगर कोई यकीन भी दिलाते रहे ना कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये यकीन नहीं करते, डिनाइल में होते हैं। और ज़ाहिर है इससे इनकी जो डेली लाइफ का फंक्शन है, रूटीन लाइफ है, वो अफेक्ट करती। कॉजेज कुछ ऐसी हैं, हम बता सके कि क्यों डिले, इनहेरिटेड भी हो सकता है। तकरीबन 8% जो लोग हैं वो क्लोज फैमिली मेंबर्स में अगर ये कंडीशन थी तो इनहेरिट है। सेकेंड जो होता है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे OCD कहते हैं, इसका ये हिस्सा आप कह सकते हैं, ये तकरीबन 8-37% लोगों में होता है। फिर लो लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, यानी कि ये एक केमिकल होता है जो बॉडी में, ये आपके अगर लो लेवल है बॉडी के अंदर तो ये आपको फीलिंग मिलेगी। इसके बाद चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, यानी कि आप में भी आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है तल्ख किस्म का या कुछ, या आपने ऐसी किसी में चीज़ देखी है यही सेम, तो आपके दिमाग में बैठ जाती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो सकती है, जिसमें यह है कि आप हेल्प लेते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स को, इमोशनल रिएक्शंस को, और आपका जो बिहेवियर मेंटेन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है उसके लिए आप थेरेपीज लेते हैं। चैलेंजिंग ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो हैं अबाउट योर बॉडी इमेज, उसको आपको बताया जाता है, आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया जाता है, आपको किसी तरह से गाइड किया जाता है कि ऐसा नहीं है। फिर लर्न हाउ टू हैंडल इट, तो फिर टीचिंग योर बिहेवियर्स टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, सच एज एड्रेसिंग सोशल अवॉइडेंस, क्योंकि सोशल अवॉइडेंस का बहुत लोगों से आप कट जाते हैं, आप सोशली जो है ना बायकॉट कर, क्योंकि आपको लगता है ना मेरे अंदर में ये प्रॉब्लम है, तो आप सोशली अपने आप को बायकॉट करते हैं, तो ये आपको थेरेपीज जो हैं काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपीज, मेडिकेशन में एक्चुअली जैसे मैंने बताया सेरोटोनिन लेवल अगर कम है तो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने के लिए जो मेडिकेशन होती हैं जो आपका साइकोलॉजिस्ट आपको या साइकाइट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करेगा वो आपको लेनी होंगी। इसी तरह साइकोथेरेपीज काउंसलिंग, इसकी आपको हेल्प की ज़रूरत हो। तो जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताया, ये थेरेपी हेल्प आउट करती है आपको कि किस तरह से आप जो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं कि यहाँ ये मेरी चीज़ गलत लग रही है, यहाँ मेरी प्रॉब्लम है, और आप मतलब सारी नेगेटिव थॉट्स को आपको आंसर करने में या आपको हेल्प आउट करने में ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपके काम आएगी। सो व्यूअर्स, ये कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में भी आपको हमने बता दिया, इसकी कॉजेज और सिम्टम्स भी आपके सामने बताएं, आपको ये बताया कि देखिए कौन कौन से नोटेबल सेलिब्रिटीज इसी बीमारी को जैसे फेस कर रहे थे या फेस में भी अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो फेस कर रहे हों और वो अभी सामने नहीं आए हैं, और आम लोगों में भी ये बीमारी, मगर हमारा क्योंकि हम टॉपिक लेकर जो चल रहे हैं, वीडियो आपके साथ लेकर चल रहे हैं, वो हम हेल्थ रिलेट कर रहे हैं सेलिब्रिटीज के ने जो फेस की है, क्योंकि लोग बड़ा इनसे इंस्पायर्ड होते हैं, तो मे बी को देख करके उन्होंने भी किस तरह कोप अप किया, या तो उन्होंने कोप अप नहीं किया तो फिर उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उससे मे बी उनको कोई हेल्प मिल जाए। तो आपको एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ऐसी डिजीज जिसको कहते हैं ट्राइजोमेनियल न्यूरेल्जिया, ये एक क्रॉनिक पेन कंडीशन है, और जैसे कि आप देख रहे होंगे ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हुई हुई है, जिसमें हम बॉलीवुड के एक्टर जो दबंग एक्टर हैं उनको भी ये डायग्नोज्ड हुई थी बीमारी, एंड दिस इज एक्चुअली अ न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर। सलमान खान ने एक इंटरव्यू में रिवील किया इस बात को कि 2007 में उनको ये बीमारी ट्राइजोमेनियल न्यूरालजिया जो है डायग्नोज हुई, इसको सुसाइड डिजीज भी कहते हैं, बट सलमान खान ने बहुत ज़्यादा
साल ऑलमोस्ट 7 ईयर्स तक इस तकलीफ को बर्दाश्त किया। मेडिकेशन के बावजूद जब उनको इसकी मैनेजमेंट नहीं हो सकी तो उन्होंने इसका ऑपरेशन करा लिया लॉस एंजलिस में 2011 में। तकरीबन ये पेन अनबेरेबल हो चुका था उनके जॉज और उनके ये पार्ट्स में। हम आगे चल के इस बीमारी के बारे में आपको अवेयरनेस भी देंगे। साथ ही आपको मैं बताती चलूं कि कुछ नोटेबल पर्संस जो कि इस बीमारी से गुजरे हैं उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम ग्लैडस्टोन, ऑथर ग्लोरिया स्टीनम, वो सर्वाइव किया इस पेन से, इस इलनेस से, और उन्होंने कई महीने डॉक्टर मिसडाइग्नोस होते रहे इस बीमारी से, क्योंकि ये इलनेस इस तरह की है कि कभी ये दांत के दर्द फील करता है तो लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ये आगे चल के जब मैं आपको इसकी अवेयरनेस दूंगी तो डिटेल बताऊंगी। सो वो मिसडाइग्नोस हुई कई महीने डॉक्टर से, अल्टीमेटली फाइनली जो करेक्ट उसका डायग्नोज हुआ वो थी ट्राइजमिनल डिसऑर्डर। एक और नोटेबल पर्सन एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर मिलिसा सिमोर, शी वॉज ऑल्सो डायग्नोज विद दिस डिजीज जिसको सुसाइडल डिजीज भी कहते हैं 2009 में, और उनको जाना पड़ा माइक्रोवैस्कुलर डीकम्प्रेशन सर्जरी। ये भी हम आपको बताएंगे कि ट्रीटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। साथ ही आपको बताती चलूँ कि इसे सुसाइडल डिजीज इसलिए कहा जाता है कि इसका पेन इतना सीवियर होता है कि बंदा कहता है कि इससे मौत बेहतर, मैं अपने आप को मार ही लूं। आगे चल के एक डॉक्टर है वो ही आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे, वो भी आप जरूर सुनिएगा, एंड तक हमारी वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज हमारे लिए आपकी हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए हम हेल्थ इश्यूज पे भी वीडियो बनाते हैं। सो व्यूअर्स, इसको क्रोनिक न्यूरोफेशियल डिसऑर्डर भी कहा जाता है और ये यूनिलेटरल होती है, दैट इज फेस की एक साइड पर ये पेन होता है, और जो लार्जेस्ट नर्व है जो ब्रेन से एमर्ज होती है ट्राइजमिनल नर्व कहलाती है, जो सप्लाई करती है फीलिंग और मूवमेंट टू द फेस, यानी सेंसरी मूवमेंट्स को। थ्री डिविजन होता है, इसीलिए इसको ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री डिविजन, थ्री ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है। द फर्स्ट इज V1 जिसको कहते हैं ऑप्थाल्मिक डिविजन या ब्रांच, जो प्रोवाइड करती है सेंसेशन फॉर द फोरहेड एंड द आई। फिर मैक्सिलरी डिविजन होता है V2, वो सेंसेशन प्रोवाइड करता है चीक को, और मैंडिबुलर डिविजन होता है V3 जो प्रोवाइड करता है सेंसेशन जॉ को, और ये सबसे ज्यादा पेनफुल लोगों को इसी V3 में मैंडिबुलर डिविजन यानी कि ब्रांच में होती है। ट्राइजमिनल नर्व जो है वो सारी जैसे हमने बताया कि सेंसेशंस को फ्रॉम द फेस टू ब्रेन लेकर जाती है, और ये कॉमन है ज्यादातर वुमन में। ज्यादातर ये उम्र अगर आप देखें तो 50 to 60 की उम्र में इसको पता चलता है, डायग्नोस होती है या इसके सिम्टम्स शो होते हैं। सिम्टम्स रेंज करते हैं माइल्ड टू सीवियर फेशियल पेन, जैसे कि आप ये पिक्चर में भी नोट कर रहे होंगे, ये बड़ा ऑब्वियस सा आपको तीन ब्रांचेस नजर आ रही है। ये जो पेन है ये जिन एरियाज में ये नर्व सप्लाईज हो रही है, ट्राइजमिनल नर्व, जिसमें चीक, जॉ, टीथ, गम्स, लिप्स, और लेस ऑफन जिसे कहना चाहिए आई और फोरहेड शामिल है। सबसे ज्यादा जो है वो देखा जाए चीक, जो और टीथ गम्स में ये महसूस होता है, इसलिए लोग थोड़ा सा मिसडाइग्नोस कर जाते हैं कि कहीं ये डेंटल इश्यू तो नहीं है। इस डिजीज का पेन इतना ज्यादा, जिसे हमने पहले भी बताया, सीवियर होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आपको कोई स्टेबिंग कर रहा है, आपको चीर रही है कोई चीज पेन, और आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स मिल रहे हैं, जबकि और ये बड़ा स्पॉन्टेनियस अटैक्स होते हैं, रहते एक बात है कि ये या तो फ्यू सेकंड्स हैं या मिनट और टू मिनट्स के लिए होते हैं, मगर इतनी ही देर में इतनी ज्यादा इसकी शिद्दत होती है कि आपको जैसे कोई हल्का सा टच भी कर ले उंगली से, या आप चू कर रहे हो, बोल रहे हो, या दांतों को ब्रश कर रहे हो, ये आपको
इस कदर पेनफुल होगा कि आप कहते हैं ना सुसाइड करने को आपका दिल करेगा कि मैं मर जाऊं। और यही बात सलमान खान दी दबंग एक्टर ऑफ बॉलीवुड उन्होंने अपने इंटरव्यू में रिवील की थी कि मैंने इतनी बार इस पेन में आके सोचा सुसाइड करने के लिए। ये अल्लाह वल्ला आलम पता नहीं क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, बट यानी कि उन्होंने खुद ये बात रिवील की कि आई फील लाइक कि मैं खुदकुशी कर लूँ, इतनी ज़्यादा ये पेनफुल कंडीशन होती है। अब इसमें जो है हम आपको बताते चलें इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो हैं, वो होता है टच, बात करने के दौरान, ईटिंग खाने के दौरान, ड्रिंकिंग, चोइंग, या आप टूथब्रश कर रहे हैं, हेयर कॉम कर रहे हैं, आप इवन समटाइम शार ले रहे हैं या आप शेव कर रहे हैं, ये ट्रिगर करेगा। इवन ये स्ट्रेस में भी ट्रिगर करता है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये यूजुअली जरूरी नहीं कि अगर ये आपको फीलिंग मिल रही है तो ट्राइजमिनल न्यूरलजिया चाहते हैं इसकी ट्रीटमेंट। एक तो मेडिकेशन जिसमें एंटी कन्वालसेंस डॉक्टर यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसके अलावा सर्जरीज अगर जब मेडिकेशन से मैनेज ना हो रहा हो। सर्जरीज में दो ऑप्शंस हैं, एक माइक्रो वैस्कुलर डीकम्प्रेशन है, दूसरा ये प्रोसीजर इन्वॉल्व करता है रीलोकेटिंग और रिमूविंग ब्लड वेसल्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद द ट्राइजमिनल रूट टू स्टॉप द नर्व फ्रॉम मैल फंक्शनिंग, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरा होता है जिसको कहते हैं गामा नाइफ, ब्रेन स्टीरियो टैक्टिक रेडियो सर्जरी। तो ये दो तरह की होती हैं। अब हम आपको मशहूर जमाना डॉक्टर चीटन बेटिक वाडा जो कि न्यूरोसर्जन हैं, माहिर न्यूरोसर्जन, उनकी जबानी भी इंग्लिश में सुनवाते हैं इस डिजीज के बारे में। न्यूरोल्जिया इज फेशियल पेन दैट अफेक्ट्स वन हाफ ऑफ द फेस दैट्स ट्रिगर्ड बाय एक्टिविटीज सच एज च्यूइंग, ब्रशिंग, शेविंग, टचिंग, विंड, कोल्ड एयर। It's often episodic and intermittent, meaning it comes and goes, and it's classically described as being sharp, electrical, or stabbing, and patients will feel like they're getting electrocuted or shocked in the face. Medication management is the mainstay of treatment for trigeminal neuralgia pain. For many individuals, medication management is sufficient to keep the pain under control for a lifetime. In individuals where the pain management strategies with medications are not sufficient, there are three options that we offer as neurosurgeons. The first is called stereotactic radiosurgery, otherwise known as cyberknife or gamma knife. This is focused radiation to the trigeminal nerve. There's no anesthesia, there's no cutting, it's just high energy radiation delivered in a focal way to the trigeminal nerve. This treatment is effective in up to 70% of individuals. The average duration of benefit in terms of pain relief is on the order of a few years. The second procedure is called a glycerin rhizotomy. This is an outpatient surgery where individuals with trigeminal neuralgia get put to sleep. A small needle is inserted into the cheek and threaded up to the base of the skull. Once the trigeminal nerve is identified, a material called glycerin is injected through the needle. The glycerin coats the nerve and helps prevent the pain impulses from being transmitted to the brain. The needle is taken out. Procedure is usually just a few minutes long, and patients get to leave the hospital the same day. This procedure helps up to 80% of individuals, and again, the average duration of benefit is usually a few years. The third procedure is called a microvascular decompression. This is the most we consider definitive treatment option, has the longest potential for pain-free living and potentially curative for life. What this is in individuals where there's a blood vessel on the preoperative imaging compressing the trigeminal nerve, we attempt to separate the two using little cushions made of Teflon. In order to do this, we make a small incision behind the ear, make a small opening in the skull, and under the microscope, slip in little cushions to separate the blood vessel from the nerve. This procedure helps 80% of people, and a vast majority of those individuals can have long-term pain relief. Surgery is used when medications are no longer working well to control the pain,
or if the medications themselves are causing too many side effects. And so for the majority of people, we do encourage a trial of medication management that's often guided by the primary care physician or neurologist who has experience in taking care of facial pain. If and when the medications are ineffective or causing too many side effects, that's when we encourage individuals to explore surgical options. In particular, we ask them to explore it before the symptoms become too pronounced or too severe. Billy Connolly, Scottish stand-up comedian and actor. Billy Connolly ne continue kiya apna career even though jab ke unko pata chal gaya tha ki unhe Parkinson jaisi disease hai 2013 mein at the age of 70. उनका एक कॉमेडी स्टाइल जो कि बड़े मशहूर था कॉनले का सब जानते हैं. कॉनले को फर्स्ट टाइम एक होटल में एक डॉक्टर से मुलाकात में उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें पार्किंसन डिजीज है या पार्किंसन डिसऑर्डर आप कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त उनको रिकग्नाइज हुए थे कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स. पार्किंसन डिसऑर्डर जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है. अंटिल 2018 तक वो परफॉर्म करते रहे स्टेज पे और स्क्रीन पर अपनी इस डिजीज के साथ. लीटर रॉनस्टैट जो कि एक जानी मानी लीड सिंगर थी 1960 के एक बैंड की जिसका नाम था स्टोन पोनीज. लिंडा ने बताया अपनी इस पार्किंसंस डिजीज के बारे में एक मैगजीन है AARP को 2013 में. आफ्टर टू वेरी बैड टिक बाइट्स इन द 1980s, रॉनस्टेट सेज हर हेल्थ नेवर फुली रिकवर्ड बट शी डिड नॉट विजिट अ न्यूरोलॉजिस्ट until she was no longer able to sing. She said, I did not know why I could not sing. All I knew was that it was muscular or mechanical. Then when I was diagnosed with Parkinson's, I was finally given the reason. I now understand that no one can sing with Parkinson's disease, no matter how hard you try. And in my case, I can't sing a note. She told to AARP magazine. The most beloved boxer of all times, Muhammad Ali. आप ही Parkinson's disease के शिकार हुए, shaky hands, mobility ने आपकी जिंदगी को बदल के रख दिया. 1984 में डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि मोहम्मद अली पार्किंसंस डिजीज को सफर कर रहे हैं. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अब्राहम लिबरमैन एंड जिमी वॉकर दैट मोहम्मद अली पार्किंसन सेंटर फॉर मूवमेंट डिसऑर्डर A Parkinson's Foundation Center of Excellence at St. Joseph's Hospital Medical Center in Phoenix. It serves as a resource center for Parkinson's and other movement disorders including Huntington's disease and essential tremors for both patients and their family. Muhammad Ali died June 2016. At the age of 74. Ek aur iconic actor, author, Hollywood mein nami grami worldwide, Michael J. Fox. Aapne bhi suffer ki Parkinson's disease se. Ye 1991 mein diagnose hui aur publicly isko disclose kiya gaya. दो के पार्किंसन डिजीज को ज्यादातर लोग डायग्नोस कर पाते हैं 40 से 60 की एज के दरमियान, मगर बट माइकल जी फॉक्स डायग्नोसिस डिड नॉट स्लो हिम डाउन एट एज ऑफ
29 with Parkinson's disease. सब बहुत से लोगों ने एक फ्रेश फेस यंग स्टार को जानते होंगे 1980s के टीवी कॉमेडी का हिट फैमिली टाइज द पॉपुलर बैक टू फ्यूचर मूवीज. स्टिल वर्किंग एक्टर एंड सम मोर रीसेंट रोल्स हैव इंक्लूडेड कैरेक्टर विद पार्किंसंस इन टीवी शोज द गुड वाइफ एंड कर्ब योर एंथ्यूजियज्म. Says, as long as I play a guy with Parkinson's, I can do anything. He joked in 2013, giving an interview to AARP magazine. अब आप लोगों को थोड़ा सा Parkinson's disease के बारे में बताते चलें. ये basically एक brain disorder है, जो के lead करता है shaking, stiffness और difficulty in walking. आपका बैलेंस कंट्रोल नहीं रहता, आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे होते. पार्किंसंस के जो सिम्टम्स हैं यूजुअली बिगिन करते हैं और ग्रेजुअली जो है वर्सन होते जाते हैं. जैसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करती है लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है चलने में और बात करने में. पार्किंसंस के साइंस और सिम्टम्स की बात करूं तो ट्रेमर में शेकिंग, यानी कि आपके हाथ लर्जा, जैसे हाथ पाम बॉडी लर्जा करती है, यूजुअली लिम्स और फिर हाथ और उंगलियों तक जाती है. स्लोड मूवमेंट, जिसको बॉडी की नीसिया भी कहा जाता है. रिजिड मसल, बहुत स्टिफनेस हो जाती है मसल्स में. इम्पेयर्ड पोस्चर्स और बैलेंस, आपका जो पोस्चर है बॉडी पोस्चर वो इंपेयर्ड हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता. लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट, यानी कि आपको जो एक ऑटोमेटिक मूवमेंट है जो आपकी बॉडी मूव करती है उस पर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है. स्पीच चेंजेस, इसलिए बात करने के लिए हमने बताया आपको प्रॉब्लम होती है. देन राइटिंग चेंजिंग, आपके लिखने का जो है तरीका उसमें आपको प्रॉब्लम आती. कॉजेज अगर बात करें तो वो पार्किंसन डिजीज है, एक नर्व सेल्स होता है न्यूरॉन जो कि ब्रेन में होता है वो ग्रेजुअली ब्रेक डाउन करता है या खत्म हो रहा होता है. इसमें जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादातर लॉस ऑफ न्यूरॉन्स के होते हैं दैट प्रोड्यूसेस अ केमिकल मैसेंजर इन द ब्रेन. जब ये लॉस हो रहे होते हैं न्यूरॉन्स तो ये एक जो प्रोड्यूस करता है केमिकल मैसेंजर ब्रेन के अंदर जिसको डोपामिन कहते हैं, ये डिक्रीज होता है, इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है और ये कॉजेस करता है एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटीज को विच लीड्स टू इम्पेयर्ड मूवमेंट एंड अदर सिम्टम्स जो हमने आपको अभी बताए. लिवर डोपा, जो कि एल डोपा भी कहा जाता है, कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड की जाती है ये मेडिसिन पार्किंसन डिजीज में एंड इट्स द बेस्ट एट कंट्रोलिंग द सिम्टम्स द कंडीशंस ऑफ दिस डिजीज. पर्टिकुलरली आपकी जो स्लो मूवमेंट और स्टिफनेस है, रिजिड बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें हेल्प आउट करती है क्योंकि लिवरडोपा वर्क्स करती है आपके जो डोपामिन है उसको ब्रेन सेल में इंक्रीज करने में, उनको स्ट्रेंथन करने में जो कि अटैक हो रही होती हैं और लो हो रही होती हैं, इस तरह से आपको हेल्प मिलती है. तो आज का प्रोग्राम मैं यहाँ खत्म करती हूँ. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.